भी बच्चे आर्मी की भर्ती देख रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ी जानकारी लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, NIOS ओपन बोर्ड। जी हाँ दोस्तों, जो भी बच्चे NIOS ओपन बोर्ड के सर्टिफिकेट से पास करके भर्ती देखना चाहते हैं या पास कर चुके हैं या पास करने वाले हैं, तो सर्टिफिकेट आर्मी में मान्य होगा कि नहीं, यानी NIOS ओपन बोर्ड का सर्टिफिकेट भर्ती देखने के लिए सही है या नहीं, देख सकते हैं या नहीं, तो आज की इस वीडियो में हम पूरा बताएंगे NIOS बोर्ड का संस्थापना कब हुई थी, आर्मी जो हमारी गवर्नमेंट है इसे मान्यता देती है कि नहीं देती है, इससे आप आर्मी की भर्ती देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं। इस वीडियो में आपके सारा डाउट क्लियर कर देंगे और NIOS बोर्ड के बारे में सब कुछ बताएंगे कि इसकी संस्थापना कब हुई थी, इसमें कितने बच्चे जुड़े हैं, इसका लोगो वगैरह सब कुछ आपको, इसकी हिस्ट्री हम बता देंगे और किस किस बोर्ड की ज़्यादा मान्यता होती है, सब कुछ डिटेल में बताएंगे। ठीक, यदि आपने NIOS बोर्ड से पास किया है तो आपका सर्टिफिकेट ऐसा होगा और उसमें क्या बदलाव होता है, किससे लड़कों का चेक किया जाता है, सब कुछ बताएंगे, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। ठीक, अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो हम आपको बता दें, यदि आप आर्मी देखना चाहते हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं, तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आर्मी की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे टाइम टू टाइम, कहाँ पर कब रैली है, किसका एडमिट कार्ड आ गया या रजिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या डॉक्यूमेंट में कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, या 2020-2022 में बदलाव क्या भर्ती में होते हैं, तो सभी कुछ बताया जाता है हमारे इस चैनल पे। तो चैनल के साथ तुरंत जुड़ जाइए, नीचे लाल बटन दिया है सब्सक्राइब कर लीजिए और अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं। ठीक, सभी लड़कों का डाउट है कि सर मैंने NIOS बोर्ड से मतलब पास किया है, क्या मुझे आर्मी में लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा। मैं पूछता हूँ कि आपने NIOS बोर्ड से क्यों पास किया, तो वो बताते हैं कि जो मेरा पुराना स्टेट बोर्ड से मैंने पास किया था उसमें मेरे इंग्लिश में 30 नंबर था, मैथ में 25 नंबर था, मैं मेरा एक ग्रेस लगा हुआ, यानी वो कहते हैं कि मेरे 6 सब्जेक्ट थे लेकिन मेरे 5 सब्जेक्ट में तो पास हूँ लेकिन एक सब्जेक्ट में फेल हूँ, इसलिए मैंने NIOS बोर्ड से पास किया है, या 2 सब्जेक्ट में फेल हूँ या 3 सब्जेक्ट में फेल हूँ। तो वो लड़के क्या करते हैं, NIOS बोर्ड का सहारा लेते हैं, NIOS बोर्ड का सहारा लेते हैं। ठीक, ये NIOS बोर्ड होता क्या है, ये एक ऐसा बोर्ड है जिसमें आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना रहता है स्कूल के माध्यम से जाके, और आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम देना होता है, रेगुलर क्लास नहीं करनी पड़ती है इसमें, कुछ ऐसा ही इसका सिस्टम है। ठीक, तो देखिए इसकी संस्थापना कब हुई थी ये हम आपको बताते हैं। NIOS बोर्ड का फाउंडेशन 1989 में हुआ था। ठीक, NIOS बोर्ड का ये हेडक्वार्टर इसका है नोएडा, उत्तर प्रदेश, इंडिया, नोएडा में है। ठीक, इसकी लैंग्वेज क्या है, हिंदी और इंग्लिश इसकी लैंग्वेज है, बोर्ड की लैंग्वेज है। ठीक, इसके चेयरमैन है सी बी शर्मा इसके चेयरमैन है। ठीक, प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन रिसर्च डेवलपमेंट, इसकी ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने किया है। ठीक, इस बोर्ड के साथ बहुत सारे लड़के जुड़ चुके हैं। ठीक, जैसे कि मैं ये इस बोर्ड का जब मतलब स्थापना हुआ था उसके बाद 2002 और 2004 में देखा गया कि 1.2 मिलियन के आसपास इससे बच्चे जुड़ चुके हैं, इससे बच्चे 1.5 मिलियन के आसपास 2004 और 2009 में जुड़ गए हैं। तो इसके मुताबिक सरकार को ये करना पड़ा कि अब इसे भी मान्यता दे दिया जाए हर चीज़ में, यानी हर फील्ड में इसे मान्यता दे दिया जाए, जैसे CBSE बोर्ड है, ICSE बोर्ड है, वैसे ही NIOS बोर्ड को भी अब मान्यता दे दिया गया है। तो उससे किस किस फील्ड में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका सर्टिफिकेट कहाँ कहाँ पर इसका लगा सकते हैं, अब वो आपको बताने जा रहे हैं, कौन कौन सी जॉब में लगा सकते हैं, सरकारी की हर जॉब में आप नहीं लगा सकते हैं इसका। ठीक, आर्मी में चलता है कि नहीं चलता है वो भी बताएंगे। ठीक, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसका फाउंडेशन वगैरह मैंने बता दिया कि इसमें एक नियर अबाउट बहुत सारे लड़के इससे पास कर रहे हैं, और यदि आपका कोई NIOS बोर्ड के सर्टिफिकेट से इशू है या कोई क्वेश्चन है तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं NIOS.com पे, और वहाँ पे इनका टूल फ्री नंबर यहाँ पे मिल जाएगा, उनसे भी जाके कॉल करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि हमारा मतलब रिजल्ट ओरिजिनल है कि नहीं है, हर जगह मान्य होगा कि नहीं होगा। और इस वीडियो में हम सिर्फ आर्मी के लिए इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो यदि आप दोबारा GD की भर्ती देख रहे हैं क्लास 10th NIOS बोर्ड से पास करके, तो वीडियो को लगातार देखते रहिए। ठीक, ये उनका टोल फ्री नंबर ऊपर देख सकते हैं 1800-1809393। ठीक, हम असली मुद्दे पे आते हैं, अब आपको अपनी बात बताते हैं, ये सर्टिफिकेट हो गया इसके बारे में बताएंगे और NIOS बोर्ड आर्मी में लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है वो भी बताएंगे। सबसे पहले आप जब रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन मान लीजिए कर लेते हैं, तो नेक्स्ट पेज दूसरे पेज पे क्या पूछता है आपकी हाइट पूछेगा, आपका मतलब किस स्टेट से पास हैं, कौन से बोर्ड से पास हैं, वहाँ ऑप्शन आता है CBSE बोर्ड पहला ऑप्शन आता है, दूसरा बोर्ड आता है स्टेट बोर्ड आता है,
तीसरा ऑप्शन आता है आपका ओपन बोर्ड। ओपन बोर्ड मतलब होता है NIOS, ओपन का मतलब ही होता है NIOS बोर्ड। यहाँ पे अदर बोर्ड का भी ऑप्शन होता है, मान लीजिए आपने कहीं बांग्ला या गुजरात बोर्ड कहीं और से भी पास किया है तो ओपन अदर बोर्ड का भी ऑप्शन आता है। यहाँ पे ICSE बोर्ड का ऑप्शन आता है। सबसे बड़ी बात मैं ये बता दूँ, यदि आप CBSE बोर्ड से पास हैं तो वहाँ कोई स्टेट वगैरह नहीं पूछता है, मतलब CBSE बोर्ड से यदि पास हैं तो 100% किसी के बाप की मजाल नहीं है कि आपको वहाँ से छांट के निकाल दे, क्योंकि CBSE बोर्ड सबसे तगड़ा बोर्ड है। ठीक, तो वैसे ही जो देखिए मतलब ये होता है ना कि सबसे पहलवान कौन है, उससे कमज़ोर कौन है, उससे कमज़ोर कौन है, उससे कमज़ोर कौन है, तो देखिए ताकतवर को सब ले लेता है, ठीक, उससे कमज़ोर वाले को भी थोड़ा ले लेता है, और जो सबसे कमज़ोर है उसे लात मार के भगा दिया जाता है। ठीक, कुछ ऐसा ही इसमें भी होता है। तो आर्मी वाले क्या करते हैं सब कुछ आपको बताएंगे, लाइन बाई लाइन देखते रहिए, कहीं भागा के वीडियो नहीं देखेंगे तो समझ में भी नहीं आएगा। देखिए ओपन बोर्ड का भी ऑप्शन है, इसमें ओपन बोर्ड का भी ऑप्शन है, NIOS उसमें ऑप्शन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उस पर भी क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, आपका सब कुछ सही होता है, एडमिट कार्ड भी आएगा, रिजल्ट भी आएगा, आप एग्जाम भी देंगे, फिजिकल भी देंगे, सब कुछ सही होगा, भर्ती भी आप हो जाएंगे। ठीक, लेकिन लड़कों का डाउट यह है कि सर जैसे हमने NIOS बोर्ड पास किया है तो आर्मी वाले कहीं कहीं भगा भी दे रहे हैं। वो क्यों भगा दे रहे हैं, उनको लग रहा है कि आपने नकली सर्टिफिकेट बनवा लिया है या पैसे के बल पे पैसा देकर सर्टिफिकेट बनवा लिया है, क्योंकि ये प्राइवेट है और प्राइवेट में आप जानते ही हैं काम पैसा देकर भी हो जाता है, 2-4, 10-20 हज़ार दे दो सर्टिफिकेट बन के हाथ में आ गया, हर सब्जेक्ट में 50% से ऊपर है। आर्मी वालों को डाउट होता है, ऑनलाइन चेक करते हैं, ऑनलाइन उनका मैच नहीं होता है तो वहाँ से उन लड़कों को NIOS बोर्ड वाले जो पास होते हैं उनको भगा भी दिया जाता है कभी कभी। ये सिर्फ 20 से 30% ही बच्चों के साथ होता है, लेकिन जो बच्चा एग्ज़ाम जाकर दिया रहता है ओरिजिनल सर्टिफिकेट रहता है उसे ले लिया जाता है, क्योंकि इसमें भाई ऑप्शन जब दिया है, लड़का रजिस्ट्रेशन कर रहा है तो उसे लिया जाएगा। और बात चलिए अगले मुद्दे पे आते हैं, सर्टिफिकेट पे। ठीक, सर्टिफिकेट के बारे में बताते हैं। यहाँ देखिए ये है NIOS बोर्ड का सर्टिफिकेट। यहाँ पे क्या होता है, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, यहाँ पे ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर देख सकते हैं, एक बार कोड मिलता है जो आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट के बारे में बताता है आपके डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आपको रोल नंबर मिलता है जो आपका सर्टिफिकेट का संख्या बताता है जिससे आपने एग्जाम दिया होता है। ठीक, यहाँ पे आपका एड्रेस प्रूफ होता है जो आप जहाँ के होते हैं वहाँ का एड्रेस दिखाता है, यहाँ जिस डेट को आप पास किए रहते हैं सर्टिफिकेट का ये डेट होता है, आपकी यहाँ फोटो होती है, आपकी यहाँ मार्कशीट का सर्टिफिकेट नंबर होता है यानी सीरियल नंबर होता है। ठीक, और यहाँ पे आपका सब कुछ सब्जेक्ट का नंबर होता है। तो ये NIOS बोर्ड का सर्टिफिकेट है, ध्यान से देखिए, यदि आपके भी सर्टिफिकेट पर ये सारा डॉक्यूमेंट है तो आपको नहीं छाटा जाएगा। ठीक, डॉक्यूमेंट में फिर से मैं एक बार दिखा देता हूँ, 2 सेकेंड में, आप घबराइएगा मत। सबसे पहले डिजिटल फोटो होना चाहिए, यहाँ पे बारकोड होना चाहिए, यहाँ पे आपका रोल नंबर होना चाहिए, यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट नंबर होना चाहिए, यहाँ पे आपका एड्रेस सही होना चाहिए, यहाँ पे हर सब्जेक्ट में देख रहे हैं इनका 33 से ऊपर है। ठीक, यहाँ पे माता पिता का नाम सब सही होना चाहिए। ठीक, यहाँ पे डेट होना चाहिए, कब इशू हुआ है, यहाँ पे सिग्नेचर होना चाहिए, सिग्नेचर ही ये बताता है कि आप सर्टिस्फाइड यानी पास हैं। ठीक, तो ये NIOS बोर्ड का सर्टिफिकेट था। ठीक, तो यहाँ पे मैंने बताया कि ये यदि इनके ऑप्शन हैं, आप आराम से इसमें जो भी सर्टिफिकेट है, यदि आपका कोई मन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए या अपना नंबर छोड़िए, हम कॉल कर देंगे या आप हमसे नंबर मांग सकते हैं। ठीक, तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और पढ़ने लिखने वाले लड़के हो तो नीचे एक GK GS करेंट अफेयर की क्लास चलती है, उसका लिंक नीचे दिया हुआ है, उस चैनल पर जाके पढ़ भी सकते हो, तैयारी कर सकते हो। ठीक, तो यहाँ तक दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, अगली वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से कुछ अच्छा जानकारी लेके आएंगे। यदि आप हमारी सारी वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए जो आर्मी की भर्ती देखते हैं कि भाई इस चैनल से जुड़ जा, तुझे कहीं भी किसी से भी कुछ नहीं पूछना पड़ेगा, ये चैनल पर ये सर सब कुछ बताते हैं। ठीक, तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों, अगली वीडियो में मिलेंगे बहुत ही जल्द।